सो गाइस आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है मिडनाइट स्पेशल, जिसमें दूसरे डायमेंशन का लड़का जो कि सिर्फ 8 साल का होता है, उसके स्पेशल पावर्स के वजह से लोग उसे चारों तरफ ढूंढने में लगे होते हैं, क्योंकि उनमें से कुछ उसे भगवान मानने लगे थे और कुछ उसे कोई हाईटेक हथियार समझकर पकड़ना चाहते थे, स्पेशली एफबीआई के लोग। पर ये दोनों टाइप के लोग इस बात से अनजान थे कि वो लड़का असल में हमारे डायमेंशन का है ही नहीं, और इसी की वजह से वो लड़का यानी कि ऑल्टन धीरे धीरे कमजोर होकर मरने के कगार पर होता है। इसलिए इस मूवी के शुरुआत में ऑल्टन एक मोटेल पर नजर आता है अपने पिता रॉय और उसके दोस्त लूकस के साथ, जो असल में ऑल्टन के असलियत के बारे में जानते थे। इसलिए वो ऑल्टन को किडनैप करके उसको उसके डायमेंशन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे पहले ऑल्टन जहाँ पर था वहाँ के लोग उसे भगवान मानने लगे थे, और वो भी वहाँ के चर्च के पैस्टर के कहने पर। इसलिए उनके हाथों से ऑल्टन को निकालने का रॉय के पास सिर्फ यही तरीका था। पर इन सब के वजह से न्यूज वाले उसे ऑल्टन का किडनैपर बताते हैं, यानी कि रॉय वांटेड बन चुका था। लेकिन इनका प्रॉब्लम यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि वो जहाँ जाने के लिए निकले थे वहाँ जाने के लिए वो सिर्फ रात को ही सफर कर सकते थे, ताकि ऑल्टन पर सूरज की रोशनी ना पड़े, क्योंकि जब भी ऑल्टन सूरज की रोशनी में आता है वो तब तब अपने पावर्स फिर से कंट्रोल खो देता है। इसलिए वो रात के अंधेरे में ही ड्राइव करते हैं और दिन में आराम। पर इसी दौरान उस मोटेल में काम करने वाली एक लड़की उनको देख लेती है और पुलिस को फोन कर देती है। पर इन सभी से अनजान रॉय और लुकस ड्राइव करते रहते हैं, जिनको रास्ते में कोई ना देख सके, इसलिए वो नाइट विजन गॉगल्स पहनकर गाड़ी का हेडलाइट भी बंद कर देते हैं। पर वही इसके दूसरी तरफ फ्रेंच में जहाँ सभी ऑल्टन को भगवान मान रहे थे, वो ऑल्टन को जल्दी से वापस पाने के लिए ना सिर्फ रॉय का फोटो मीडिया को दे देते हैं, बल्कि वो उनके पीछे अपने दो आदमियों को भी भेजते हैं, जिसमें इसी दौरान वहाँ एफबीआई वाले भी पहुँच जाते हैं, जो कि आकर उन सभी के अलावा उनके लीडर यानी कि पेस्टर मेयर को भी एक फैसिलिटी तक लेकर जाते हैं उनसे पूछताछ के लिए, जिसमें एनएसए का एक आदमी पॉल पेस्टर मेयर से एक नंबर के कॉम्बिनेशन के बारे में पूछता है, ये जानने के लिए कि उसके हिसाब से उस नंबर का क्या मतलब है, जो कि 53, 23, 77 और 127 करके था, जिसके जवाब में पेस्टर ये कहता है कि ये उस सरमस के कुछ हिस्से हैं, जो उसके उसी धार्मिक किताब का हिस्सा है जिसको उसी ने लिखा है। जिसको सुनते ही पॉल एक हैरान करने वाला चीज रिवील करता है, ये कि जो शब्द और नंबर उसके सरमस में लिखे हुए हैं, वो असल में गवर्नमेंट का बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जिसको उसी डेट पर सैटेलाइट के जरिए इनकोड करके ट्रांसमिट किया गया था, जिस डेट के बारे में उनके सरमन में लिखा हुआ है। इन शॉर्ट, इतना बड़ा सीक्रेट और इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन उनको कैसे मिला, ये सवाल पॉल पेस्टर से पूछता है, जिसके जवाब में पेस्टर ऑल्टन का नाम लेता है, जो कई भाषाओं में बात करता था, कभी कुछ जाने पहचाने भाषाओं में तो कभी कुछ अनजाने भाषाओं में, जिसको सुनकर ही पेस्टर ने अपना खुद का धर्म ग्रंथ लिखा था, क्योंकि उसके हिसाब से भगवान के शब्द थे, जो कि पूरा सच्चाई तो नहीं होता। लेकिन जहाँ तक बात रही ऑल्टन को गवर्नमेंट का सीक्रेट पता होने की, तो ऑल्टन असल में रेडियो फ्रिक्वेंसीज को सुन सकता था, यानी कि जिस दिन सैटेलाइट के जरिए इनक्रिप्टेड डेटा को ट्रांसमिट किया जा रहा था उस दिन ऑल्टन ने उसे सुन लिया था, जिनसे अंजन रॉय मदद के लिए अपने दोस्त के घर रुकता है, ताकि वो दिन के उजाले से ऑल्टन को दूर रख सके। पर रात होते रॉय को एक भूकंप का झटका महसूस होता है, जो कि ऑल्टन के पावर्स के वजह से हो रहा था। इसलिए वो जल्दी से ऑल्टन के रूम की तरफ भागता है और देखता है कि उसका दोस्त ऑल्टन का पावर देखने के लिए उसे चोट पहुँचा रहा है। इसलिए वो ऑल्टन को उससे दूर करके उसका वैन लेकर वहाँ से निकल जाता है। खैर अब जब उन्हें रास्ते पर चलते चलते खाना भी चाहिए था, तो वो ऐसे में एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। लेकिन जैसे रॉय और लुकस खाना लेने जाते हैं, वैसे ऑल्टन को वहाँ कुछ महसूस होता है, जो कि होता है एक सैटेलाइट जो उस पर नजर रख रहा था। इसलिए ऑल्टन उस सैटेलाइट को स्पेस से सीधा जमीन में फेंक देता है, पर अपने पावर्स को इस कदर यूज करने की वजह से उसके नाक और कान से खून बहने लगता है, जिसको देखकर लुकस उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है, पर रॉय ऐसा नहीं करने देता। उल्टा वो उसके अगले डेस्टिनेशन यानी कि ऑल्टन के माँ के घर जाता है, जो काफी समय के बाद ऑल्टन को अपने पास देखकर बहुत खुश थे। पर अब जब वो सैटेलाइट बिना किसी वजह से अपने ऑर्बिट से हटकर जमीन पर नहीं गिरा था, तो ऐसे में एफबीआई वाले वहाँ भी पहुँच जाते हैं, क्योंकि जो सैटेलाइट नीचे गिरा था उसका काम था न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को डिटेक्ट करना। इन शॉर्ट वो सैटेलाइट ऑल्टन के ऊपर इसलिए आया था क्योंकि उस सैटेलाइट को बिल्कुल वैसा ही हीट सिग्नेचर मिल रहा था जैसे कि एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से मिलता है। इसलिए उस सैटेलाइट ने क्रैश होने से पहले ऑल्टन का एक हीट सिग्नेचर वाला फोटो भी लिया था, जिसको देखकर उन दोनों एजेंट को समझ में नहीं आता कि आखिर ऑल्टन है क्या, जिसका पता लगाने के लिए वो उस हीट सिग्नेचर के मदद से कुछ ड्रोन प्रोग्राम करते हैं उनसे ऑल्टन को ढूंढने के लिए। पर वह दूसरी तरफ ऑल्टन का तबीयत और भी खराब होने की वजह से वो एक बार फिर से अपने पावर से कंट्रोल खोने लगता है। हालांकि उसकी माँ सैरा जैसे तैसे ऑल्टन को शांत कर देती है, पर वो जैसे ही ऑल्टन के आसपास के घासों को सूखता हुआ देखती है, वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए लुकस फिर से एक बार उसे हॉस्पिटल में ले जाने को बोलता है, पर रॉय अपने जिद पर अड़ा रहकर उसे हॉस्पिटल ले जाने से मना करता है, इस डर से कि वहाँ से पुलिस वाले उसके बेटे को उसे छीन कर ले जाएंगे। जिसमें इसी दौरान ऑल्टन एक ड्रोन को अपने ऊपर उड़ता हुआ देख लेता है, इसलिए वो अपने माँ को लुकस के साथ जाने को बोलकर खुद रॉय के साथ वहाँ के जंगलों की तरफ भागता है, ताकि एफबीआई वाले डिस्ट्रैक्ट हो सके।
वैसे तो राय ऑल्टन को सूरज की रोशनी से बचाने के लिए एक गुफा भी ढूंढ लेता है, पर ऑल्टन अचानक से सूरज की रोशनी में जाने की बात करता है। पर वही उसके दूसरी तरफ पॉल, उसे आखिरकार ये समझ में आ जाता है कि ऑल्टन को उन गवर्नमेंट सीक्रेट्स के बारे में इसलिए पता चला था क्योंकि वो उनके बातचीत को रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए सुन रहा था। पर कैसे, ये पॉल को अब भी नहीं पता होता। खैर, अब जब ऑल्टन सूरज की रोशनी को महसूस करना चाहता था तो ऐसे में रॉय उसे उगते सूरज के सामने ले जाता है। हालांकि इससे ऑल्टन को तकलीफ तो होता है, पर आखिर में अपने पावर को रिलीज करते हुए अनजाने में ही अपने आसपास एक डोम बना लेता है जो कि वैसे तो पल भर के लिए ही था, पर उस दौरान रॉय उस दुनिया को देखता है जिस दुनिया की बात ऑल्टन कर रहा था। इन शॉर्ट, ऑल्टन सूरज की रोशनी के वजह से ना सिर्फ पूरे तरीके से ठीक हो गया था बल्कि उसने अपने पूरे पोटेंशियल को भी अनलॉक कर लिया था, जिसके बाद वो दोनों उस मोटल में वापस जाते हैं जहाँ सैरा और लुकस रुके हुए थे, जहाँ ऑल्टन उन सभी को अपने दुनिया के बारे में बताता है जो कि ठीक इंसानों के दुनिया के ऊपर बना था ताकि वहाँ के लोग इंसानों पर नजर रख सके। खैर, ये सब उन सभी के लिए नया और अनोखा चीज था, पर वो जैसे इन सब के बाद वहाँ से निकलते हैं वैसे ही पेस्टर के दो आदमी आकर उन पर हमला करके ऑल्टन को उठा ले जाते हैं। हालांकि रॉय उनका पीछा तो करता है, पर रास्ते में वो देखता है कि मिलिट्री वालों ने उन लोगों को पकड़ लिया है, इनफैक्ट उसके बेटे को भी जिसको वो ढूंढ रहा था। इसलिए रॉय ये सोचकर गुस्से में अपसेट हो जाता है कि वो ऑल्टन को एफबीआई वालों से नहीं छुड़वा पाएगा क्योंकि एफबीआई वाले दरअसल उससे पूछताछ के लिए एक सीक्रेट फैसिलिटी ले गए थे, पर ऑल्टन वहाँ पर किसी से बात नहीं करता सिवाय पॉल के, जो कि पॉल से फेस टू फेस बात करते हुए उसे ये समझाता है कि वो ना तो कोई हथियार है और ना ही किसी का भगवान, वो सिर्फ अपने घर लौटना चाहता है। जिसको सुनने और ऑल्टन के पावर्स को देखने के बाद पॉल चोरी छुपे वहाँ से ऑल्टन को बाहर ले आता है और रॉय को फोन करके ऑल्टन को लौटाने की बात करता है। इसलिए रॉय बाकी सभी के साथ ऑल्टन को पॉल से लेकर मिलिट्री वालों से बचते हुए ऑल्टन को एक खुले मैदान तक लेकर जाता है ताकि ऑल्टन अपने दुनिया में वापस जा सके। पर इस दौरान रॉय मिलिट्री का ध्यान भटकाने के लिए ऑल्टन को सैरा के साथ भेजता है ताकि उसे अपने दुनिया में वापस लौटने का वक्त मिल सके, जहाँ ऑल्टन अपने पावर्स को यूज करके एक डोम बनाता है जो कि पिछले बार के मुकाबले बहुत बड़ा था, लेकिन उस डोम के अंदर जो कोई भी होता है उसे वो दूसरा दुनिया साफ साफ दिखाई देता है जिसके बारे में ऑल्टन बात कर रहा था, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत होता है। पर इस दौरान रॉय और लुकस एक्सीडेंट के वजह से पकड़े जाते हैं। हालांकि इससे उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑल्टन जो कि सैरा के साथ था वो अपने लोगों के साथ अपने दुनिया में वापस जा चुका था, जहां ऑल्टन वहां के सभी लोगों को सैरा को दिखाते हुए उसे अलविदा बोलता है और आखिर में उस डोम को बंद कर देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।